बरमकेला विकास खंड के बड़े नावापारा से जुड़ा हुआ छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा की संयुक्त सीमा पर स्थित 127 एकड़ में फैले गोलाबंद तालाब के छत्तीसगढ़ सीमा में बने नहर की मरम्मत, साफ सफाई व गहरीकरण न होने के कारण तालाब का पानी वर्तमान में किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा है। किसानों ने संबंधित अधिकारी को कई बार मरम्मत के लिए लिखित अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बरमकेला विकास खंड अंतर्गत बड़े नवापारा से जुड़ा हुआ छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा की संयुक्त सीमा पर स्थित 127 एकड़ में फैले गोलाबंद तालाब निर्माण 1957 में ओडिशा के ग्राम सराईपाली के पास किसानों को सिंचाई सुविधा हेतु दोनों राज्यों की सीमा में बना हुआ है। ओडिशा के किसान इस तालाब के पानी का उपयोग रबी फसल में करते हैं, वहीं छत्तीसगढ़ के किसान अल्प वर्षा की स्थिति में खरीफ सीजन के फसलों को बचाने में करते थे, लेकिन लंबे समय बीतने के बाद छत्तीसगढ़ सीमा में बने नहर की मरम्मत एवं अपने हिस्से की साफ सफाई व गहरीकरण न होने के तालाब का पानी वर्तमान में किसानों के खेत तक पानी नहीं पहुंच रहा है। आसपास के किसानों ने कई बार शासन प्रशासन से नहर मरम्मत के लिए मांग किया, लेकिन अब तक किसानों की मांगों को दरकिनार कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों में काफी नाराजगी है। आपको बता दें कि इस तालाब की 60% भाग ओडिशा एवं 40% हिस्सा के साथ ही ओवरफ्लो होकर बहने वाली पानी भी छत्तीसगढ़ की जमीन पर नाले के रूप में प्रवाहित हो रही है। इसमें बिना किसी अनुबंध के ओडिशा सरकार ने कई एनीकट बनवा लिए हैं। हालांकि इन एनीकट का लाभ दोनों क्षेत्र के लोग उठाते हैं। यदि छत्तीसगढ़ सरकार इस तालाब के अपने हिस्से वाले भाग की सफाई के साथ गहरीकरण एवं नहरों की मरम्मत कर लेती है तो बरमकेला अंचल को इसका सीधा लाभ मिलेगा। वहीं गोलाबंद तालाब से छत्तीसगढ़ के बड़े नवापारा, खैरगढ़ी, कोतरा, अमलीपाली, केनाभाटा, पंडरीपानी, विक्रमपाली के 1000 से अधिक किसानों के 1900 एकड़ खेत सिंचाई खरीफ सीजन में होती थी, जिसकी देखरेख पर जल संसाधन विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे छत्तीसगढ़ सीमा वाले भाग गाद से पट गया और भारी मात्रा में बेशरम उगाए हैं, जिससे सिंचाई व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। तब से पानी व्यर्थ ही बह रहा है। यदि इसमें बने एनीकट एवं नहर का मरम्मत हो जाता तो व्यर्थ बहने वाला पानी सीधे किसानों के खेत में पहुंचता, जो खरीफ फसल के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता और किसानों को बरसाती फसल को बचाने जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। लेकिन प्रशासन एवं सरकार की अनदेखी वजह से किसानों को सुविधा होते हुए भी अंतिम समय में चाहकर भी इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। पूर्व में जब मध्य प्रदेश से पृथक होकर सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तो किसानों में उम्मीद की किरण जगी और प्रशासन एवं सरकार से गोलाबंद तालाब के छत्तीसगढ़ सीमा वाले भाग की गहरीकरण, सफाई के साथ ही नहर निर्माण की मांग लगातार की जाती रही और अंततः 2005 में तत्कालीन कलेक्टर ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए 45 लाख रुपए की स्वीकृति देकर निर्माण का जिम्मा जल संसाधन विभाग को सौंप कर 2 किलोमीटर नहर का निर्माण पूरा कराया। लेकिन उसके बाद से आज तक न तो जल संसाधन विभाग ने देखरेख किया और न ही जिला प्रशासन ने सुधी ली है। यहाँ 2000 से अधिक किसानों को लाभ मिलता है। नहर की क्या स्थिति है वर्तमान में? नहर की स्थिति बिगड़ा हुआ हालत में है और नहर फूटा उठा है और यहाँ वहाँ पे जो फेर है वो भी फूटा होने के कारण पानी नहीं जा पा रहा है और नहर भी कटा हुआ है। ये कब से किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है इससे? किसानों को तो बहुत रिपेयरिंग करते हैं गांव वाले और उसके बाद ही लाभ मिलता है, कट कट जाता है, हर साल रिपेयरिंग लगता है। जल संसाधन विभाग इसके मरम्मत पर कोई ध्यान देती है कि नहीं? नहीं दे रही है, 2-3 बार बोल चुके हैं। इसका एस्टिमेट भी बन गया था 45 लाख का, उसके बाद भी यहाँ पे ध्यान नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ का है, हमारे उड़ीसा का 80% है, छत्तीसगढ़ का 20% है। तो आप कौन से सीजन में फसल में पानी की आवश्यकता होती है? अभी जन फसल है खरीफ फसल में जाता है, रबी फसल में पानी नहीं जाता है। अच्छा, और छत्तीसगढ़ सीमा के लोग किस फसल में उपयोग करते हैं पानी? अभी लेता है पानी, मतलब खरीफ फसल में उन लोग अभी उपयोग करते हैं। पूरा उससे चास होता है।